एक्सपेंसिव फाइव स्टार रेस्टोरेंट में खाना जाना कई लोग एक हाई स्टेटस वाली बात समझते हैं, लेकिन ये फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स बाहर से जितने लग्जरियस दिखते हैं, क्या वो सर्विसेज भी वैसे ही प्रोवाइड करते हैं? जनरली फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स में हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रोसीजर होती है, पर वो प्रोसीजर किसी के सुपरविजन में ही फॉलो किए जाते हैं, नहीं तो वर्कर्स क्लीनलीनेस रखने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। यानी एंट्रेंस से लेके डाइनिंग टेबल्स तक पूरा हाइजीन मेंटेन करेंगे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने। लेकिन क्या आपने किसी रेस्टोरेंट या कोई भी छोटे होटल का कभी किचन देखा है? क्या किचन में उतनी ही सफाई रखी जाती है जैसे बाहर दिखाई देती है? होटल या रेस्टोरेंट स्पेशली कस्टमर्स को खाना देना यही मेन सर्विस देते हैं, तो जो खाना आप पैसे खर्च करके खाने वाले हैं, वो खाना कितनी सफाई रख के बनाया गया है वो कोई नहीं जानता है। सफाई के अलावा खाना बनाने में उससे होने वाली सब्जियाँ कितनी फ्रेश है या पासी है ये भी कस्टमर्स को पता नहीं होता है। कहने की बात ये है कि आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद बासी खाना खा के डबल पैसे डॉक्टर के पास खर्च हो जाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट छोटा हो या बड़ा उनका मेन गोल तो एक ही है, प्रॉफिट अर्न करना। रेयरली कुछ रेस्टोरेंट्स होंगे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉलो करते होंगे, यानी कस्टमर होटल के खाने से हैप्पी होगा तो वो दूसरों को भी वहाँ जाने बोल सकता है, जिससे होटल का प्रॉफिट और मार्केट में नाम ज्यादा बढ़ेगा। अब ऐसा कोई रेस्टोरेंट या होटल जानते हैं जहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पहली प्रायोरिटी है, तो होटल का नाम कमेंट में जरूर मेंशन कर ले। लेकिन इन सब के सिवा आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो इंडियन रेस्टोरेंट्स में कभी नहीं ऑर्डर करनी चाहिए, और उसकी क्या वजह है वो भी हम जानते हैं। पर अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाना स्पेशल ओकेजन्स, गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग ऐसे समय में होता है। रोज रोज रेस्टोरेंट का खाना खा के जीना शायद बहुत कम लोग करते होंगे, और इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखें। जैसे अपनी हेल्थ की केयर हो तो कभी भी रेस्टोरेंट्स में मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग वीकेंड पे रेस्टोरेंट जाते हैं, तो तभी जो इंग्रेडिएंट्स बच जाते हैं वो वीकडेज में यूज करते हैं। वीकडेज में कस्टमर्स भी कम होते हैं, तो लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स यूज करके खाना बनाया जाता है। जनरली ये छोटे और कम क्राउड वाले रेस्टोरेंट्स में किया जाता है जहाँ लोग ज्यादा जाते नहीं हैं, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं जो वीकडेज में यूज होते हैं। और ऐसे होटल्स में नॉन वेज फूड स्पेशली कभी भी नहीं ऑर्डर करें, क्योंकि लेफ्ट ओवर मीट, चिकन भी यूज करते हैं। लेफ्ट ओवर नॉन वेज खाने को टेस्ट मेकर, ग्रेवी एड करके कस्टमर्स को सर्व करते हैं, जिससे पता नहीं चलता की मीट, चिकन फ्रेश है या बासी है। और बासी खाना खाने से लोगों की फूड पॉइजनिंग से डेथ होने के केसेस भी पहले आते हैं। तो आप भी जब छोटे होटल्स में जाए तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखें, और ऐसी होटल्स में नॉन वेज खाना स्पेशली अवॉइड करें। लेकिन क्या फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना सेफ है? फाइव स्टार होटल में बहुत सी चीजें अट्रैक्टिव होती है, जैसे रेस्टोरेंट का इंटीरियर, क्रॉकरी डिशेस, कस्टमर्स का जिस तरह से वेलकम होता है, ऐसे कई और चीजें कस्टमर्स को फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जाने अट्रैक्ट करती है। और हाँ, लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि फाइव स्टार में खाना कॉस्टली होता है तो वो पूरी तरह सेफ और हाइजीनिक होता है, पर ऐसा सब रेस्टोरेंट्स में नहीं होता है। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा कि वर्कर्स पे कोई सुपरविजन करने के लिए नहीं होगा, तो वो किचन की क्लीनलीनेस में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जैसे फाइव स्टार रेस्टोरेंट में शेफ्स होते हैं, उन्हें खाना बनाते वक्त शेफ कैप पहनना कंपलसरी होता है, लेकिन कुछ शेफ्स ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो खाने में बाल गिर सकता है। और ऐसा खाना किसी को सर्व किया जाए तो हो जाता है बड़ा झगड़ा वेटर और कस्टमर के बीच। ऐसा कुछ होने के बाद ही किचन क्लीनलीनेस पे प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाता है कि आप घर में खाना बनाते वक्त हाथ धोना, साफ बर्तन यूज करना, सब्जियां धोना, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं? ऑब्वियसली रखते ही होंगे, क्योंकि घर के खाने पे फैमिली की हेल्थ डिपेंड होती है। एक तो महंगी सब्जियां मिलती है, ऊपर से साफ करके ठीक से नहीं बनाए तो लोग बीमार पड़ेंगे, और फिर डॉक्टर की दवाई के भी खर्चे होंगे। लेकिन जब आप फाइव स्टार में या छोटे होटल में खाना खाते हैं, तब वो कस्टमर्स की हेल्थ को ध्यान में नहीं रखते हैं, और इसीलिए कई बार बिना हाथ धोए खाना बनाते हैं और बर्तन भी ठीक से साफ नहीं करते हैं। और इसके अलावा एक बात जान के हैरानी होगी कि सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो जमीन पर रख के चॉप किए जाते हैं, और सब्जियां ठीक से धोई भी नहीं जाती है। ना ही जमीन साफ है, ना ही उस पे ध्यान दिया जाता है, और इसीलिए फाइव स्टार रेस्टोरेंट से अनकुक्ड फूड जैसे ही सलाद ऑर्डर करना हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। छोटे होटल्स और फाइव स्टार रेस्टोरेंट में क्या होता है ये तो देख लिया आपने, लेकिन आजकल जो काफी ट्रेंडिंग फूड आउटलेट्स है जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, KFC, क्या
यहाँ पे खाना सेफ है? वर्किंग पीपल, यंगस्टर्स ऐसे आउटलेट से खाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये सारे आउटलेट्स के बहुत सारे चेन स्टोर्स है, तो मीट, चिकन और बाकी इंग्रेडिएंट्स बल्क में ऑर्डर करके स्टोर करते हैं, और मीट चिकन कोल्ड स्टोरेज में काफी दिनों तक स्टोर भी रहते हैं। तो बासी मीट को फ्रेश दिखने के लिए ये फूड आउटलेट्स यूएस से आने वाले सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, और ये इंग्रेडिएंट में यूज किए जाने वाले केमिकल बॉडी के लिए हार्मफुल है। यानी मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट ये सब भी प्रॉफिट बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए इन जगह से नॉनवेज फूड स्पेशली कभी नहीं खाना चाहिए। इतनी सब जानकारी मिलने के बाद भी क्या आप बाहर खाना पसंद करेंगे? खुद की हेल्थ का ध्यान रखना हर किसी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इस बात को सीरियसली लेते हैं। बाहर खाने से पहले बताए गए पॉइंट्स जरूर याद रखें, और इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।